नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपके सारे सपने अब साकार होने वाले हैं। दोस्तों पिछले दिनों में आपने जो भी सपने सोचे थे या फिर कई वर्षों से जीने को लेकर आप समस्या से जूझ रहे थे, दोस्तों उनका अंत होगा और यश में आपके सारे सपने साकार होंगे। दोस्तों जो भी आपने पिछले समय निवेश संबंधी योजनाएँ बनाई थी और पैसों को लेकर जो गड़बड़ चली थी उनके कारण आपने उन योजनाओं पर जो ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाए थे, लेकिन दोस्तों यश में आप उन योजनाओं को सफल बना पाएंगे, उनमें धन को निवेश कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आपके घर बनाने के जो भी सपने थे, घर बनाने के जो भी इच्छा थी, पिछले समय आप नहीं पूरा कर पाए थे, लेकिन दोस्तों यश में ऐसी स्थिति बनी हुई है जिनके कारण आप घर भी बना पाएंगे और अपने पारिवारिक माहौल को भी और अपने आने वाले भविष्य को भी बेहतर दिशा में ले जा पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि वाहन लेने के सपने, कार्यक्षेत्र में बड़ा निवेश करने के सपने और भी व्यवसाय संबंधी बहुत सारे कार्यों को पूर्ण करने की जो भी आपके सपने चल रहे थे पिछले दिनों में, दोस्तों अब उनका जो है उनका समय का अंत हो चुका है और आपको अब उनकी सफलताओं की प्राप्ति होगी। दोस्तों आपको बता दें कि यश में ग्रहों में ऐसी परिवर्तन हो रहे हैं, ग्रहों में कुछ ऐसे बड़े बदलाव हो रहे हैं जिनके कारण दोस्तों काफी वर्षों के बाद या फिर काफी दिनों के बाद आपके जीवन में ऐसी खुशियां आने वाली है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही आपको बता दें कि यश में इन सभी सफलताओं का अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो दोस्तों हर एक क्षेत्र में आपको सावधानी को रखते हुए चलना है, क्योंकि दोस्तों जब भी किसी को सफलता मिलती है तो उनके साथ उन्हें सावधानियां भी रखने की आवश्यकता होती है। दोस्तों इतिहास गवाह है कि जिन्हें सफलता मिली है वह सावधानी से अपने पाँव को रखते हैं, तो इसी में दोस्तों यश में आप भी कोई गलती ना करें। इस वीडियो में प्रत्येक सावधानी के बारे में बात करेंगे पूरे विस्तार से। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, ग्रह गोचर पर निर्मित है और पंचांग की गणना करने के बाद ही इस वीडियो को निर्मित किया गया है बहुत ही विशेष तौर पर, तो दोस्तों इन्हें अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा, माता रानी का सच्चा आशीर्वाद आपके जीवन में होगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपकी राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। दोस्तों यश में आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास के सक्षम आपके विरोधी प्राप्त होंगे। दोस्तों यश में संतान को भी कोई विशेष उपलब्धि मिलने से घर में खुशी भरा वातावरण रहेगा। दोस्तों नजदीकी रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर का भी प्लान बनेगा तथा खर्चों की अधिकता का भी दुख नहीं होगा। दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अपने गुस्से और फिर आवेश पर काबू रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। दोस्तों परिस्थितियों के साथ किसी भी छोटी सी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। यश में अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाकर रखना आपके लिए उचित होगा। दोस्तों यश में अपनी ही बात पर अड़े रहने की वजह से दूसरों के निर्णय या फिर दूसरों के द्वारा सुझाए गए विचारों को ठीक तरह से देख नहीं पा रहे हैं, जिसका असर आपकी निर्णय क्षमता पर भी हो रहा है और लोगों से जुड़े रिश्तों पर भी। दोस्तों अपने अहंकार को खुद के ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होंगे। इसके उपरांत ही दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी तथा पिछले कुछ समय से चली आ रही थकान से भरी जो जिंदगी है उनसे यश में राहत मिलेगी। दोस्तों अगर कोई कोर्ट कचहरी संबंधी मामला चल रहा है तो दोस्तों यश में किसी की सूझबूझ या फिर विवेक से काम लेंगे तो फैसला आपके पक्ष में होगा। इसके उपरांत ही दोस्तों यश में कोई भी निर्णय लेने से जो है दिल की अपेक्षा दिमाग से काम लें दोस्तों, क्योंकि भावुकता में आकर आप जो है अपना नुकसान कर सकते हैं। दोस्तों जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को भी यश में अधिक सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि दोस्तों किसी प्रकार की धोखाधड़ी भी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी, आपके काम में और निर्णयों में परिवार के लोगों का सहयोग मिल पाना आपके लिए आसान होगा। भाई बहन में संबंध यश में अच्छे बने रहेंगे, एक दूसरे के साथ देने की इच्छा एक दूसरे की प्रगति के लिए उपयुक्त होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पिछले कुछ समय से चली आ रही किसी समस्या का निवारण होने से आप लोग जो है बहुत अधिक राहत और तनाव मुक्त महसूस करेंगे। यश में ग्रह गोचर आपके लिए लाभदायक परिस्थितियाँ बना रही है, इसलिए दोस्तों यश में मेहनत से जो अपने कार्यों के प्रति ध्यान दें, आर्थिक स्थिति भी यश में बेहतर रहेगी। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखें कि किसी जो है नकारात्मक बात की वजह से घर में तनाव भी रह सकता है, इसलिए दोस्तों अपने स्वभाव में सरलता बनाए रखें। दोस्तों संतान की गतिविधियों और संगति पर नज़र रखना अति आवश्यक होगा, परंतु दोस्तों समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से ही सुलझाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यश में किसी भी काम की योजना बनाकर ही उस काम पर अमल करना आपके लिए बेहतर होगा।
यश में अधिकतर समय आपका सोच विचार में ही व्यतीत हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश में ग्रह गोचर आपको हर परिस्थिति में आसानी से जो है हल निकालने में सक्षम प्रदान करेंगे, यानी क्षमता प्रदान करेंगे। दोस्तों यश में दूसरों से मदद लेने की अपेक्षा आपको अपनी कार्य क्षमता व फिर योग्यता पर अधिक विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों निवेश संबंधी गतिविधियों में भी यश में अधिकतर समय व्यतीत होगा, परंतु दोस्तों काम की अधिकता कसर आपको शारीरिक और दिमागी रूप से थका सकता है। दिखावे की प्रवृत्ति से यश में बचें, यश में जो है इसकी वजह से आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। भाइयों और बहनों के साथ आर्थिक पक्ष को लेकर किसी तरह का मतभेद भी हो सकता है, तो दोस्तों यश में अपने भाइयों बहनों में जो है प्रेम संबंधों को और अटूट बनाकर रखने की कोशिश करें, ये आपके भाइयों बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपकी योग्यता को साबित कर पाना आपके लिए आसान होगा। आपको प्राप्त हुए ज्ञान का उपयोग करके काम की जगह आप जो है अपना विशेष स्थान भी बना पाएंगे। दोस्तों कम संबंधित बातों में आपको यश में विशेष प्रगति नजर आएंगी और दोस्तों आपके आसपास यश में सकारात्मक ऊर्जा भी बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, तो दोस्तों यह समय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, व्यवसाय के क्षेत्र में समय उत्तम होगा। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी यश में हासिल होंगे, परंतु दोस्तों अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से कोई दिक्कत हो सकती है। बेहतर होगा कि सभी निर्णय स्वयं ही लें। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को किसी प्रकार की रुकावट आने की वजह से तनाव थोड़ा सा रह सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश में आप जो है काम की अधिकता की वजह से थोड़ा सा थकान महसूस करेंगे, परंतु मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम भी हासिल होंगे। दोस्तों यश में आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए और दोस्तों ऑफिस में भी अपने कार्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश करें, नहीं तो दोस्तों आप अपने ऑफिस में बॉस और अपने अधिकारियों की डांट भी सुन सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश में अपने व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार के प्लान को दूसरों से शेयर ना करें, अन्यथा आपके प्लान का कोई फायदा भी उठा सकता है। सरकारी सेवा लोगों को अचानक कोई महत्वपूर्ण सूचना भी मिलेगी, परंतु दोस्तों यश में अपनी फाइल या फिर डॉक्यूमेंट्स बहुत अधिक संभाल कर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसाय की परिस्थितियां अभी पूर्ववत ही रहेंगी, परंतु मार्केटिंग संबंधी कार्यों से यश में कुछ ज़्यादा ही फायदे मिल सकते हैं या फिर फायदेमंद ऑर्डर मिल सकते हैं। दोस्तों यश में नौकरी पेशा व्यक्तियों को बहुत अधिक सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी। दोस्तों अपने उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बिल्कुल ही खराब न होने दें, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेंगी। बच्चों की किसी नकारात्मक बात को लेकर कुछ तनाव रह सकता है। दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, पिता द्वारा आपकी रिलेशनशिप को जो सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों यश में विवाहित जीवन साथी के लिए जो समय होंगे, वैवाहिक जीवन यश में समान रहेगा। किसी अन्य व्यक्ति की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें भी उत्पन्न हो सकती है, तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें और किसी अन्य को जो है अपने पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, घर के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। कुछ समय जो है परिवार के साथ मनोरंजन और घूमने फिरने में भी समय निकालें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश में जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने से जो है घर में आपका सहयोग रहेगा और जिसकी वजह से आपसे संबंधों में और अधिक भावनात्मक मजबूती आएंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें, तो दोस्तों थकान हावी रहेगी तथा सिर दर्द अथवा माइग्रेन जैसी समस्या आपसे आपको जूझना भी पड़ सकता है। दोस्तों यश में शरीर में बढ़ती गर्मी त्वचा संबंधी तकलीफ बढ़ा सकता है, इसलिए दोस्तों यश में सावधान रहें और उचित इलाज लेने का प्रयास करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में शाम तक आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में जो अपने बचाव करने की आपको आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों जो अकारण ही किसी चिंता की वजह से नींद न आने जैसी शिकायत भी रह सकती है, कुछ समय ध्यान और मेडिटेशन में अवश्य व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। दोस्तों गैस व फिर वादी वाली चीज़ों का सेवन करने से परहेज करें, यश में जोड़ों व फिर घुटनों में दर्द भी इनसे बढ़ सकता है। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा केसरिया और भाग्यशाली अंक रहेगा 6।